ओके स्टैंड, तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 12 से 28 तक पृथु महाराज और बाकी लोग जो है भूमि का, जो कि गाय के रूप में है, दोहन करेंगे। ठीक है, इति ब्रह्महितं वाक्यं भुव आदाय भूपति वत्सं कृत्वा मनुं प्राणा दुहत्स कलौषधि। आप लोग अपनी अपनी किताब में निकाल लीजिए या फिर जो पीडीएफ भेजा है उसको आप खोल सकते हैं। ठीक है, स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 पेज नंबर है 10 के सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, बाकी आपकी किताब जो है उसमें आप देख सकते। इस प्रकार प्रियम अच्छे लगने वाले हितम उपयोगी लाभप्रद वाक्यम शब्द हुआ। पृथ्वी के आदाय विचार करके भूपति राजा वत्सम पशरा कृत्वा बनकर मनु स्वामु मनु को पाणा हाथों में अग्र दुआ सकल समस्त औषधि जड़ी बूटियां तथा अन्य पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गोरु पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दमन करके उन्हें अपनी अंजलि में भर लिया। तो गाय के रूप में पृथ्वी थी, ठीक है, और उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़े के रूप में बना के, स्वयंभू मनु को बछड़ा बना के और अपने हाथों में दूध ले लिया। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से होता रहेगा, है ना। कोई दूध निकालने, कल यही बात हुई थी ना, पृथ्वी कह रही थी कि आपको दूध के, अब सब कुछ तो मेरे अंदर है और मैं गाय के रूप में हूँ, तो दूध के रूप में सब बाहर निकलेगा। तो एक बछड़ा चाहिए, एक रखने के लिए कोई जगह चाहिए और एक निकालने वाला चाहिए। तो पृथु ने स्वयं निकाला, बछड़ा मनु को बना दिया और रखने के लिए अपने हाथों में ही रख दिया। तथा परे चा सर्वत्र सारमाद दत्ते बुधा ततो अन्य चा यथा काम दुदु पृथु भाविताम। तथा उसी समय अपने अन्य चार भी सर्वत्र सभी जगह सारम रस निचोड़ आदि दत्ते ग्रहण कर लिया। बुधा बुद्धिमान पुरुष तथा तत्पश्चात अन्य अन्य लोग चा भी यथा कामम इच्छा अनुसार दुदुहु दुहरिया पृथु भाविता। महाराज पृथु के वश में हुई पृथ्वी को अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। ठीक है, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। वसु का अर्थ है धन तथा धरा का अर्थ होता है धारण करने वाला। इस पृथ्वी के भीतर के सभी प्राणी मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी में से इन समस्त जीवात्माओं को समुचित साधनों से बाहर निकाला जा सकता है, जैसा कि पृथ्वी द्वारा प्रस्तावित और राजा प्रभु द्वारा स्वीकृत किया गया कि जो कुछ भी पृथ्वी के भीतर से लिया जाता है, चाहे खाने में, खानों में से लिया जाए, माइंस होती है ना, या भूमंडल की सतह से लिया जाए, है ना, या वायुमंडल से लिया जाए, हर एक वस्तु को सदा पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति मानना चाहिए और उसे यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के उपयोग में लगाना चाहिए। धरती से जो भी मिले, चाहे फल फूल पृथ्वी की सतह से मिले, चाहे हवा वायुमंडल से जो भी मिले, या फिर जब हम धरती को खोद के जो माइंस से निकालते हैं ना, सोना चांदी या फिर पेट्रोलियम, ये सब, वो सब कुछ किसका है? वो सब कुछ कृष्ण का है। और किसकी सेवा में लगाना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही ये काम करना अगर बंद कर दिया, इसे कहते हैं यज्ञ। जो भी चीज निकालो कृष्ण सेवा में लगाओ, इसे कहते हैं यज्ञ। अगर ये यज्ञ की विधि बंद कर दी जाती है तो पृथ्वी सारा उत्पादन, शाक वृक्ष पौधे फल खनिज पदार्थों आदि को अपने में रोक लेती है। ठीक है, अगर आप, अगर हम जो है जो कुछ भी धरती हमें देती है उसको हम भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो धरती उसको अपने अंदर खींच लेगी। धरती ज्यादा नहीं निकालती है, देख लो अभी सोना चांदी नहीं मिल रहा है, खोदते जा रहे नीचे जा रहे नहीं मिल रहा है। हमारी सोच से ऊपर की बातें हैं ये। पानी नीचे जाता जा रहा है कि नहीं? वाटर लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? पहाड़ों की ऊंचाई कम हो रही कि नहीं हो रही?
है ना, हर चीज खाद्य खनिज जो कुछ भी धरती देती है हमें, सब धरती अपने अंदर खींचती जाएगी अगर पाप बढ़ेगा तो। इसलिए अब देख लो आप, उतनी मेहनत करने के बाद जरा सा अन्न पैदा कर पाता है किसान, पहले थोड़ी सी मेहनत करने पर ज्यादा अन्न होगा। जो भगवान का भक्त होगा वो थोड़ी सी मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिलेगा धरती माता से, जो पापी होगा खूब मेहनत करेगा फिर भी थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, यज्ञ की स्थापना सृष्टि के प्रारंभ में की गई थी, नियमित रूप से यज्ञ करने, संपत्ति के समान वितरण तथा इंद्रिय तुष्टि के नियमन से सारा जगत शांति में तथा समृद्धि में हो जाएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा प्रचारित उत्सवों को प्रत्येक शहर तथा गाँव में करना चाहिए। संकीर्तन हर गांव शहर में क्या होना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन। बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत आचरण से संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलना और नशे की चीजें खाना पीना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। यदि समाज के बुद्धिमान व्यक्ति अथवा समाज का ब्राह्मण वर्ग विधि विधानों का पालन करे तो वर्तमान विश्व की पूरी स्थिति जो कि अस्त व्यस्त अवस्था में है अवश्य सुधर जाएगी और लोग सुखी तथा संपन्न बन जाएंगे। संसार में जो भी यहाँ वहाँ उथल पुथल चल रही है ये सब ठीक हो जाएगा अगर सारे लोग वैदिक सिस्टम को अच्छी तरीके से मानने लगे तो। ऋषयो दुदुहु देवीं इंद्रियेषु अथ सप्तम वत्सं बृहस्पति कृत्वा वयच्छन्दो मयं शुचि। ऋषियों ने दुहा देवी पत्नी को इंद्रियों में बृहस्पति को कृत्वा करके पया दूध छंद मयं वैदिक स्तोत्रों के रूप में शुद्धि शुचि। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया। अभी पृथु महाराज का हो गया, अभी सब ऋषि लोग आए, उन्होंने ऋषियों ने आके बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी और उन्होंने शब्द मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को धो लिया, वैदिक ज्ञान निकाल लिया। ठीक है, बृहस्पति स्वर्ग के पुरोहित हैं, ऋषियों ने तार्किक विधि से बृहस्पति के माध्यम से मानव समाज के लाभ के लिए न केवल इस लोक में बल्कि समस्त ब्रह्मांडों में वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान को मानव समाज की आवश्यकता माना जाता है। ये जो गीता भागवत के ज्ञान है ये इंसान के लिए ही बनाया गया है, बहुत जरूरी है इंसान के लिए। यदि मानव समाज पृथ्वी से शरीर भरण के लिए अन्य तथा और जरूरी चीजें लेकर संतुष्ट हो जाए तो समाज में पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकता। मानवता के पास मन कान तथा ध्वनि स्पंदन के लिए समुचित भोजन होना चाहिए। जहां तक कि दिव्य स्फुरण का प्रश्न है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार, सारे वैदिक ज्ञान का सार क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि कलयुग में इस वैदिक महामंत्र का नित्य श्रवण कीर्तन किया जाए तो श्रवण कीर्तन की भक्तिमय विधि से श्रवण तथा कीर्तन अगर चलता रहे तो समस्त समाज क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और मानवता भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से सभी व्यक्ति सुखी हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस अपना अपना जरूरत का सामान समाज में लेना है और भगवान की सेवा करनी है और हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। सिंपल लाइफ, सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार का मतलब होता है सबसे हाई क्लास की थिंकिंग। सबसे हाई क्लास की थिंकिंग क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में सोचना सबसे हाई क्लास थिंकिंग है। कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोमं दुदुहन हिरण्यमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः। कृत्वा बनाकर वत्सं बछड़ा सुरगणा देवताओं ने इंद्रं स्वर्ग के राजा इंद्र को सोमं अमृत अदुदुहन दुह लिया हिरण्यमयेन सोने के पात्रेण पात्र से वीर्य मानसिक शक्ति ओजा इंद्रिय शक्ति बलं शारीरिक शक्ति पयादु। समस्त देवताओं ने अभी गाय के रूप में पृथ्वी है, ये तो सीन आपको समझ में आ रहा है ना। अभी मनु ने उनको जो जरूरत की चीज थी गाय से ले ली, गाय सब कुछ दे सकती है तो उन्होंने गाय से ले ली, गाय के रूप में पृथ्वी है।
फिर ऋषियों ने भी ले लिया ज्ञान, ठीक है। अब समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोम रस यानी कि अमृत निकाल लिया। इस प्रकार वे मानसिक शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अमृत मिल गया। इस श्लोक में सोम का अर्थ है अमृत। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है, पीने वाली चीज, जो स्वर्ग लोक में चंद्रमा से लेकर विभिन्न उच्च लोकों में देवलोकों तक बनाया जाता है। सोम नामक इस पीने वाली चीज को पीकर देवता मन से, इंद्रियों से, शरीर से बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण से पता चलता है कि सोम रस सामान्य कोई शराब नहीं है, मादक जैसे भी लोकल कोई दारू नहीं है। देवता किसी भी देवता लोग कोई भी तरह की शराब नहीं पीते, ठीक है, और ना सोम रस कोई दवा है, दवा भी नहीं। ये एक अलग तरीके का एक पेय पदार्थ है, ठीक है, जो स्वर्ग में मिलता है। असुरों द्वारा तैयार की जाने वाली, असुर लोग क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं, और देवता लोग क्या बनाते हैं? अमृत बनाते हैं। तो ये जो असुर लोग जो शराब बनाते हैं वो, और जो देवता लोग जो अमृत बनाते हैं, वो दोनों चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है। आगे के श्लोक में दैत्य के पुत्र दानवासुरों ने वत्सम बछड़ा प्रहरादम प्रहरादम प्रधान विदाय बनाकर अदुदुहन दूलिया क्षीरम अन्य पात्र पात्र शराबीर से बनाएगा द्रव तथा यवसुरा, ठीक है। तो दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। असुरों के जो असुर लोग होते हैं उनकी अपनी चॉइस है पीने की, ठीक है। वो लोग क्या पीते हैं? जो सुरा तथा यवसुरा के रूप में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देवता सोमरस का पान करते हैं, ऐसे ये लोग ये चीजें। तो द्विती से जो उत्पन्न असुर लोग थे उन्होंने सुरा तथा यवसुरा पीकर अपना मतलब दारू पी के अपना मस्त रहते थे, ठीक है। आज के समय में भी आश्री वृत्ति वाले लोग सुरा तथा यवसुरा ही पीने के आदि होते हैं। कई तरह की दारू पीते हैं आजकल लोग, दारू पीने वाले असुर कैटेगरी में चले गए, ठीक है। इस प्रसंग में प्रहलाद महाराज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप में असुरों के कुल में उत्पन्न हुए थे, अतः उनकी कृपा से असुरगण तब से आज तक सुरा पीते आ रहे हैं। यहाँ लोहा शब्द भी महत्व है। जहाँ अमृत में सोम को स्वर्ण पात्र में रखा जाता है, अब देवताओं ने जो अमृत निकाला था उसको सोने के बर्तन में रखा था, वहीं पे इन लोगों ने असुरों ने जो निकाल लिया दारू निकाल की रखी है लोहे के बर्तन में। सोम रस श्रेष्ठ है, इसलिए सोने के बर्तन में रखा गया और दारू जो है बेकार चीज है, तो वही के बर्तन में, ठीक है। गंधर्व अप्सरसा अक्षुधन पात्रे पद्म मये पयः वत्सं विश्वा वसुं कृत्वा गंधर्वं मधु सौभगम। गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, अप्सरसा अप्सरा लोक के वासी, अक्षुधन दुबलिया, पात्रे पात्र में पद्ममय कमल के पया दूध वत्सम बछड़ा विश्वावसु विश्वावसु को कृत्वा बनकर गांधर्वम गीत मधु मीठा मधुर सौभगम सुंदरता। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुआ। इस दूध ने मधुर संगीत तथा सुंदरता का रूप धारण किया। मधुर संगीत और सब भी उन्होंने निकाला आम पात्र मिट्टी के कच्चे पात्र महाभागा श्राद्ध देवता मृत परिजनों के समान के सम्मान में किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता श्राद्ध करते हैं लोग, उनके मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने
आर्य माँ को बछड़ा बनाया। सब लोग एक एक व्यक्ति को बछड़ा बनाते हैं और गाय के पास आते हैं और गाय बछड़ा को देख के उनकी जरूरत की चीज वो लेके जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये लोग आए, इन्होंने आर्य माँ को बछड़ा बनाया और इन्होंने क्या लिया, अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने बलि को धुल लिया। तो एक बर्तन भी चाहिए रहता है, सब लोग एक बर्तन भी लेके आते, कोई सोने का कोई लोहे का, ये लोग मिट्टी का लेके आते। भगवत गीता में बताया गया है पितृ नियांति पितृव्रता, जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं वे पितृव्रता कहलाते हैं। पितृलोक का एक लोक है, पितृलोक नाम का एक लोक है और इसका प्रधान विक्रय अरेवा कहलाता है, मतलब कुछ कुछ देवता जैसा है जिसे प्रसन्न कर लेने से परिवार अरेवा अरेवा को अगर प्रसन्न कर लिया तो परिवार के प्रेत जो जो किसी के परिवार में कोई आदमी मरने का भूत प्रेत बन जाते हैं ना, तो वो भूत से सही हो जाते हैं। भूत बन गए माने उनको ऐसा हमारे जैसा शरीर नहीं है भूत को, ठीक है। तो अगर अर्यमा किसी से प्रसन्न हो गया तो जो भूत बना है ना किसी का परिवार का सदस्य, तो भूत से उसको शरीर मिल जाएगा, भूत की होने से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो पापी होते हैं और अपने परिवार घर गाँव या देश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है, उनको अपने परिवार से बहुत मोह ममता है, अपने घर से बहुत मोह ममता है, अपने देश से बहुत मोह ममता है, विशेष रूप से पुत्र का, पुत्र बेटे का ये कर्तव्य। पुत्र का मतलब क्या होता है, पुत्र का मतलब होता है पुत नाम का एक नरक होता है, उस नरक में कोई व्यक्ति चला गया है तो उस नरक से उसको जो निकाल सकता है वो उसका बेटा होता है, इसलिए उसको कहते हैं पुत्र। पुत्र नाम के नरक से जो उतार दे उसे पुत्र कहते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से जो पुत्र है, पुत्र का काम क्या है, पुत्र का कर्तव्य है कि अर्यमा को या भगवान विष्णु को पिंडदान करे, श्राद्ध दे, पिंडदान करते हैं। भारत में अनंत काल से मरे व्यक्ति को, मरे जो व्यक्ति मर जाता है उसका बेटा कहाँ जाता है, गया, ठीक है, गया जाता है और वहां पर एक विष्णु मंदिर में अपने प्रेत आत्मा पिता को पिंड देता है, वो तो पिंड दान करते हैं गया में जाके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी के पिता प्रेत बनते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों पर पिंड दान दिया जाता है, जिससे किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रेत बने तो उसे सुख प्राप्त हो। तो पता तो है नहीं कि किसके पिताजी भूत बने मरने के बाद, ये तो किसी को पता नहीं, वहां पर चिट्ठी तो आएगी नहीं कि बेटा मैं भूत बन गया, है ना। तो सभी लोगों को भगवान विष्णु को जो है भोग लगाना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, तो अगर बना भी होगा तो वो उसकी मुक्ति हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई विष्णु प्रसाद प्राप्त करता है तो उसके प्रेत होने या मनुष्य से निम्न योनि में जाने का प्रश्न नहीं होता। अगर उसने, अब कई लोग आजकल पिंडदान करते हैं, श्राद्ध व्राद्ध चढ़ाते हैं, उसमें कुछ भी खिलाते रहते हैं और पाप लगा रहे हैं उनको, वैसे वो बेचारे नरक में है और उनको वहीं फंसा रहे हैं। क्यों, भगवान का भोग थोड़ी लगाते, पहले कृष्ण को भोग लगना है, फिर वो प्रसाद पितरों को और पुरखों को पूर्वजों को प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद खिलाना है, ना कि ऐसी डायरेक्ट डायरेक्ट खिलाओगे तो वैसी पाप है, कोई डायरेक्ट खा के तो वो नरक में चला गया। भगवत गीता में भगवान ने बता दिया तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कि जो सीधे खाते हैं चाहे शाकाहारी खाएं सब नरक जाएंगे, और नरक में चले गए, अब उनको नरक से निकालने के लिए कृष्ण प्रसाद खिलाना है, वो कृष्ण प्रसाद खिला नहीं रहा है, वो और खिला रहा है, तो वही फंसा रहेगा। तो पिंड दान करें, श्राद्ध करें, लेकिन पहले जो आइटम बनाए उसको भगवान कृष्ण को भोग लगाए, फिर प्रसाद पिंड दान में खिलाए पूर्वजों को, ठीक है। वैदिक सभ्यता में क्योंकि जो प्रसाद खाएगा उसको तो मुक्ति मिल ही जाएगी, और अभी जिंदा वाला खाएगा, किसी का बाप जिंदा है उसको प्रसाद खिलाएंगे तो नरक में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो प्रसाद खाने वाला नरक में जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में श्राद्ध कर्म होता है जिसमें अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति से भोजन दिया जाता है। यदि कोई विष्णु के चरण कमलों या उनके पितृलोक के प्रतिनिधि अर्यमा वो श्रद्धा समेत पिंड प्रदान करता है। अगर कृष्ण को खिला, पितृलोक का बॉस कौन है, अर्यमा, अर्यमा को प्रसन्न करना है, लेकिन अगर कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो अर्यमा किसका चेला है, कृष्ण का, कृष्ण ने उसको डिपार्टमेंट दिया है, भाई तुम ये पितृलोक वाला डिपार्टमेंट तुम देखो, तो हम तो कृष्ण को सीधे प्रसन्न कर रहे हैं तो अर्यमा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। सीधे जाके आपने हेड ऑफिस में टैक्स भर दिया है
तो छोटे छोटे सब जगह का टेक्स्ट तो पूरा हो गया ना। तो इस तरीके से जो व्यक्ति इस तरीके से कृष्ण प्रसाद अपने पूर्वजों को खिलाता है, उसका पूर्वजों का उद्धार तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो उसके पूर्वजों को भौतिक शरीर मिल जाता है, फिर वो मनुष्य बन के यहाँ धरती पे आएंगे, भक्ति करेंगे, फिर भगवत नाम लेंगे, जिससे वे अपने हिस्से का भौतिक सुख भोग सकते हैं, तथा उन्हें प्रेत नहीं बनना पड़ता, फिर वो भूत नहीं बनते, ठीक है। इस तरीके से हमने 18 श्लोक तक आज किया है, इसके बाद 19वें श्लोक से हम कल करेंगे, ठीक है। आज निर्जल एकादशी है, बहुत सारे लोगों को माला करनी है, तो बाकी अभी हम कल करेंगे, ठीक है। आज भूत की कहानी लेके आप जाओ, और भूत से कैसे बचे इस बारे में सोचो, और नहा धोके सो, नहा धोके रहो, साफ स्वच्छ रहने वाले को भूत नहीं लगती, ठीक है। तो गंदा रहेगा उसको भूत लग जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा, ग्रंथराज भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है क्या? भूत वाला मत पूछना, ठीक है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर दो। ओके, कोई प्रश्न नहीं लग रहा, बहुत अच्छा, सब लोग डर गए लग रहा भूत से। ओके, हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्री भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण हरे।